इमरान खान की हुकूमत को हमने गिराया है और हम कह रहे थे नहीं, ये साजिश थी और साजिश तय गिराई गई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग, वही पीडीएम का सरबराह खुद मान रहा है कि जी ये वाकई साजिश थी और ये साजिश में कौन कौन शामिल थे उसने वो नाम लिया। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको बुलाया जाए, उनको बताया बुला के इस चीज़ पर प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, क्योंकि मजाक नहीं है कि कोई भी साजिश करके कोई भी आवाम के मैंडेट की तोहीन करे और एक जमहूरी हुकूमत को इस तरह गिराए। तो मेरे ख्याल में जब तक सजा नहीं मिलेगी किसी को इस मुल्क में तो ये रिवायात चलती रहेंगी। अगर हमने रिवायात को बदलना है और हमें आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए कड़ी सजा देनी पड़ेगी इस निज़ाम में ऐसे लोगों को कि जो इस निज़ाम में लाकानूनियत करते हैं, कानून को तोड़ते हैं। कोई ऐसी बात चैलेंज वाली तो इंशाल्लाह नहीं है। हमारे जो दो साल गुजरे हैं पिछले, उसमें जो हमारे सूबे के हालात बनाए गए, पाकिस्तान के हालात बनाए गए माशी तौर पर, अमन अमान के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हम लोग अपने सूबे के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और हमारे सूबे का जो हक है वो देना पड़ेगा। हाँ, ये अलहदा बात है कि इसमें हमें पता है पाकिस्तान भी हमारा है कि अगर माशी हालात ठीक नहीं है तो हमारे जो NFC शेयर है हमारा या हमारे जो हाइडल के पैसे बकाया हैं उनमें हम इनको टाइम तो दे सकते हैं कि चलो आप सारे पैसे इकट्ठे ना दो, लेकिन ये सोचना कि जी हमें वो हक नहीं मिलेगा या कोई नहीं देगा, ये इनकी खाम ख्याली है। हमें अपना हक चाहिए, हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। हमारी आवाम हमारे साथ है, ये हमारी आवाम का हक है, हमारे सूबे का हक है और हमें आवाम ने वोट इसलिए दिया है कि हम उनके हक के लिए आवाज़ उठाएँ और हर हद तक जाएँ उनका हक लेने के लिए। इसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए इमरान खान साहब जो हैं ये पार्टी उनकी है, वो जो भी फैसला करेंगे हमें सबको, हमें हमवर्क करें सारे, हमें बनवान कबूल होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया है कि जो लोग कुछ तकलीफात की वजह से, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, टॉर्चर की वजह से गए हैं, तो मेरे ख्याल में आपके सामने है, मीडिया को पता है कि उनके बारे में इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है वो और है। लेकिन जो लोग बगैर किसी तकलीफ के ऐसे लोग थे जो हमारे पास भी अपने मफाद के लिए आए हुए थे और वो जो गए हैं, तो वो तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तो हमें आज पता चल गया, वरना ये लोग तो चलते रहते इसी तरह, मुश्किल वक्त ना आता। आज हमें पता चल गया कि मफाद परस्त कौन था और हमारे साथ नजरियाती लोग कौन थे और हमारे बहुत से इस सख्त हालात में हमारे बहुत से नए लीडर ने इमर्ज किया है जो कि ज़रूरी था, उनको मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो नए लीडरशिप है इंशाल्लाह, नई यूथ है, नए लोग हैं जिन्होंने मुकाबला किया इंशाल्लाह, वो इस पार्टी को उनसे बेहतर चलाएगी। अहमद भाई, आपके काबिने में वो तरह के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे। अभी तक कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तमाम से CVs हमने ले ली है। अब मैं इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात करूंगा, वो उनको CVs दूंगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा हतमी रिकमेंडेशन भी होंगी, डिसीशन भी होगी, मशवरा भी होगा और हतमी फैसला जो है इमरान खान साहब करेंगे। सर आखिर में आप शाह से ज्यादा शाह के लिए वो वफादार जो है, आपने कल एक जुमला बताया था उसके बारे में क्या कहेंगे, शाह से ज्यादा शाह का वफादार उसके लिए क्या हुक्म है? शाह से ज्यादा शाह वफादार जो लोग थे ना, जिन्होंने लाकानूनियत को इस हद तक ले गए कि हमारे सूबे की जो रिवायात हैं उनको पामाल किया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया, जैली पर्चे काटे, ऐसे ऐसे पर्चे काटे कि जिनका कानून से तो क्या सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि हम अगर मदीना की रियासत की बात करते हैं तो फिर हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इमरान खान साहब ने कहा हमेशा कि अमल, अपना अमल से आपने साबित करना है, बातों से साबित नहीं करना। तो जो मदीना की रियासत की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो हमें सबक मिला वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन साथ इस्लाह भी, ये भी कहा था कि अल्लाह का दीन इख्तियार करो, सही रास्ते पे चलो। तो हम यही कहते हैं कि हम इस्लाह करने के लिए इंशाल्लाह मौका देंगे और जो अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं है और ये समझता है कि वो इस्लाह भी नहीं करेगा तो फिर वो सदा के लिए तैयार रहे। ठीक, बहुत जल्द इंशाल्लाह। थैंक यू।